सभी को राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरी राधे रानी में। तो आज हम आपको बरसाना परिक्रमा के चिकसौली ग्राम में एक गहवर कुंड जो पड़ता है, जिसके बारे में हम आपको सूक्ष्म रूप से बहुत ही छोटे वीडियो के जरिए हम आपको इसका रहस्य बताने वाले हैं। तो चलिए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ, आइए हमारे साथ। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस कुंड को श्री ठाकुर जी ने राधा रानी के कहने पर इस कुंड को खोदा था। बहुत समय पहले की बात थी, जब राधा रानी अपनी गोपियों के साथ यहाँ से जब मथुरा के लिए दूध दही लेकर जाया करती थी, तो ये और कृष्ण भगवान नंदगाम से राधा रानी से मिलने के लिए आया करते थे। तो एक बार राधा रानी ने कृष्ण से कहा, हे प्यारे, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तो राधा रानी के कहने पर कृष्ण भगवान कैसे मना कर सकते हैं, क्योंकि श्री जी जो कहे और ठाकुर जी इस बात को टाल ही नहीं सकते। तो यह जो आप देख रहे हैं, यह गहवर कुंड उस समय एक वीरान जंगल के रूप में होता था। ये पूरे जो वृक्ष है पूरी तरह से इस तरह से लदे हुए थे कि यहाँ सूर्य की किरण भी यहाँ आया नहीं करती थी। तो कृष्ण भगवान ने राधा रानी के कहने पर इस कुंड को अपनी बांसुरी से खोदा था। जब बांसुरी से खोदने के बाद में इस कुंड के जल से राधा रानी की प्यास बुझी थी, और यह कुंड बरसाना परिक्रमा में आता है। जब भी आप आइएगा यहाँ, जरूर आसमनी करके जाइएगा, क्योंकि साक्षात ये प्रीतम के यहाँ भी मिलन का यह कुंड माना जाता है। तो सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री राधे।